लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी में जिला मुख्यालय से ब्लॉक तक हुए कार्यक्रम, प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी, संघ अधिकारियों ने किया योग। जी हाँ, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों में भी दिखा पूरा उत्साह। योग विद्वानों ने बताया महत्व और हठ योग राजयोग में अंतर। कई लोगों ने दिया पब्लिक को संदेश कि करो योग, रहो निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुहाग नगरी में कुछ अलग ही माहौल आज तड़के से नजर आया। जहां जगह जगह योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं आदि ने भी योग को लेकर काफी उत्साह दिखाया। सुबह सवेरे पुलिस लाइन प्रांगण में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच योगाचार्य के नेतृत्व में जिले में आए यहाँ के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी, डीएम चंद्रविजय सिंह, सीडीओ नेहा जैन, एडीएम एसएसपी सचिंद्र पटेल, एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह, एसपी ग्रामीण राजेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा व अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों व मुख्यालय पर रहने वाले कर्मचारियों ने विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं संग योग किया। लोगों ने योग का महत्व व पब्लिक को देने वाला संदेश बताया, तो वहीं ज्ञानी योगाचार्यों ने राजयोग व हठ योग में क्या अंतर है यह भी बताया। इसके अलावा योग में लीन बच्चे सूरज ने भी चकित कर दिया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 स्थानों पर योग कार्यक्रम संस्था संचालिका सरिता बहन के नेतृत्व में आयोजित किए गए। योग दिवस है, क्या इसको पाठन में नहीं लाना चाहिए, रूटीन में? सरकार बहुत तरह के काम कर रही है, एक ऐसी योजना बने इंटर कॉलेज तक। 2014 के पहले हमारे राज सत्ता पर बैठे हुए लोगों के कर्मठता कर लीजिए या उनके द्वारा असंवेदनहीनता के कारण हमारे योग को लगभग भुला दिया गया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो इस योग को विश्व मंच पर ले आकर के स्थापित किए और आज पूरा विश्व योग कर रहा है। आज के दिन में 90 से ज़्यादा देशों में आज लाखों लोग योग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। उन्होंने घोषित किया योग दिवस, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव और प्रयास का परिणाम रहा। आज पूरा देश रोज योग करता है, घर पर करे, बाहर करे, और अपने को अपने जीवन का एक जीवन शैली में इसको उतार रहा है। निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उसको अन्य भी माध्यमों से कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको भी हम लोग सर्वसुलभ करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 6 साल के उम्र के बच्चे जो विद्यार्थी हैं और 6 साल से 23 साल के बच्चे जहाँ भी पढ़ने जाते हैं, हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं उस पीरियड में एक पीरियड योग व्यायाम खेल का अवश्य जोड़ा जाए, ये हम लोग चला रहे हैं। अब खेल विभाग द्वारा भी इस पर बड़ी गंभीरता से प्रयास किया। मंत्री जी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका विश्वास और होना चाहिए, आज योग दिवस पर देखा गया कि मुस्लिम समाज ने उतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार उम्मीद करती थी। क्या हुआ, अभी इतने दिन में कोई विश्वास जमा नहीं? देखिए, ये जिन लोगों ने योग में भाग नहीं लिया उनसे पूछने की जरूरत है, जो लोग भाग लिए वो हम लोग। क्या नाम है आपका? सीमा आर्य। ये योग और हठ योग में क्या अंतर है और इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? अष्टांगिक योग महर्षि पतंजलि द्वारा जो प्रतिपादित है अष्टांगिक योग, उसमें नाड़ी शोधन के जो योग होते हैं उन्हें हठ योग की संज्ञा दी गई है। यह कोई ऐसे योग नहीं है जैसा कि हठ यानी कि जो नाड़ियां हैं सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना नाड़ी, ये उससे संबंधित है। हठ हकार और ऊ हठ योग मकार, ये इससे संबंधित जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, हठ योग उसी से संबंधित है जो हमारे 8 चक्रों को जागृत कर हमारी सुषुम्ना को पूर्णता जागृत कर देता है, वो अभ्यास हठ योग में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर के SRK कॉलेज मैदान में सुबह 5:30 बजे से योग शिविर का आयोजन किया गया।
आज 21 जून विश्व योग दिवस है। हमें बड़ा गौरव है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यूएनओ में योग के एक दिन 21 जून को योग दिवस के रूप में अपनी बात रखवाने के लिए प्रस्ताव दिया था और वो आज पूरे विश्व में 21 जून का योग दिवस के रूप में विख्यात हुआ है। आज उसी संदर्भ में हम यहाँ पर नियमित रूप से हम तो आते हैं यहाँ पर योग कर रहे हैं। हमारी कमेटी के बहुत सारे लोग दिन योग करते हैं और योग जीवन को संयमित बनाने के लिए नियमित बनाने के लिए ये पौराणिक पद्धति चली आ रही है। निश्चित रूप से पहले ऋषि मुनि तपस्वी इस योग के माध्यम से 100-100 साल 200-200 साल तक जिंदा रहते थे। जीवित रहकर वो नियमित रूप से दैनिक क्रियाओं में निरत रहते थे। हम भारत में रहकर भारतीय संस्कृति में योग का बड़ा महत्व है। वास्तव में जीवन में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं और जीवन को आनंदित बनाना चाहते हैं तो योग करना बहुत आवश्यक है। वहीं लालव रोड स्थित श्री सिद्ध गुफा योग साधन आश्रम में सुबह 6 बजे से योग कार्यक्रम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिसोदिया के नेतृत्व में शुरू हो गया। आपके मार्गदर्शन में, आप लोगों के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चलता रहे। छोटे से बहुत आज आज ये 5वां योग दिवस मनाया जा रहा है। ये विश्व योग दिवस के लिए हमारे सदगुरुदेव योगी राज चंद्रमोहन जी ने 30 साल पहले विश्व योग सम्मेलन में कहा था कि हर संस्था के अंदर योग आवश्यक है देश में सुख शांति समृद्धि के लिए। अब ये 5 वर्ष से लागू हुआ 177 देशों के सहयोग से एक विचार होकर के पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जी, योग दिवस चल रहा है, कौन सा योग दिवस है और किस प्रकार से योग किस योग दिवस मनाया जा रहा है? आज फिरोजाबाद जिलपत की पावन धरा पर श्री सिद्ध गुफा योग साधन आश्रम लालव रोड फिरोजाबाद, जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्याम सुंदर जिंदल जी द्वारा स्थापित किया गया, यह आश्रम प्रभु रामलाल जी के और श्री चंद्रमोहन जी महाराज जी के स्मृति में समाधिधाम इसका मुख्य कार्यालय है। हम सभी लोग मिलकर के विश्व का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 5वां योग दिवस इस पावन धरती पर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इसके अलावा गांधी पार्क में जॉइंट्स ग्रुप सहेली व अन्य समाज सेवियों व संस्थाओं द्वारा योग क्रियाएं कराई गईं, तो कई एक स्थान पर एकांत में ही महिला पुरुष योग करते नजर आए। जी, मैं अपर्णा अग्रवाल सहेली ग्रुप की अध्यक्ष सचिव बोल रही हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ योग कैंप का अरेंज किया है, जिससे कि जिसमें ये हमारे गुरु हैं जो हमको योग के बारे में बता रहे हैं। योग करने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। हमारा जो आत्मा का परमात्मा से मिलन है वो हम केवल योग के द्वारा ही कर सकते हैं। योग के द्वारा हम अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। योग आज हमारे को दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया है। हमारे योग ने दुनिया भर में जाना जाता है कि योग से कितना फायदा है। तो ये नियमित आप लोग यहाँ पर रोजाना हम करते लोग हैं यहाँ आज ही? सभी लोग अपने अपने घरों पे या अलग अलग जगह पर करते हैं, लेकिन आज सभी यहाँ पर एकत्रित होकर एक साथ योग दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पब्लिक के लिए योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पब्लिक को हम बताना चाहेंगे कि उनको प्रतिदिन अपने शरीर के लिए आधा घंटा जरूर निकालना चाहिए और योग को योग करें या टहलने जरूर जाना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ रहें। डॉक्टरों का जाना बंद हो जाए, डॉक्टरों के यहाँ जाना, यही मैं कहना चाहूँगा। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर T की सुविधा,
नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, हिस्टेरेक्टमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय। डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।